आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए एकदम नई टिफिन रेसिपी, जिसको बच्चे तो बच्चे बड़े भी अपने साथ टिफिन में ले जाएंगे। और ये बहुत इजी रेसिपी है, बच्चे इसे टेस्ट से खाएंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिया है आटा एक बाउल, उसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ के बाद डालेंगे हम जीरा, उसके बाद डालेंगे हम स्वाद के लिए अजवाइन, जिसको हल्का सा हाथ पे हम क्रश कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद यहाँ डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। अगर आपके बच्चे लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैगी पाउडर या अमचूर पाउडर का यूज़ आप कर सकते हैं। इसको हम हिला लेंगे। उसके बाद हमने 2 प्याज यहाँ पे बिल्कुल बारीक क्रश कर रखे हैं, वो हम डालेंगे इसमें। और बच्चों को सबसे टेस्टी होते हैं आलू, आलू भी हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 3-4 हरी मिर्च काट के डाली है। आलू से इसका टेस्ट बहुत दुगना हो जाएगा। आपके बच्चे रोज़ ये टिफिन में यही रेसिपी मांगेंगे, मुझे आलू के पराठे ही चाहिए। उसके बाद हम डालेंगे बच्चों का फेवरेट चिली फ्लेक्स। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे धनिया पाउडर, हरा धनिया डाला हमने यहाँ पे। और इसको हल्के हाथों से मैश करेंगे। यहाँ पे हम पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पानी कम डालें। मैं यहाँ पे नींबू डालना भूल गई थी, आप नींबू डाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छे टेस्ट के लिए आप मैगी मसाला, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इस प्रकार हम इस पराठे का आटा गूंद लेंगे। अब हम इसकी लोई तोड़ेंगे और आटे की डस्टिंग करके हम इसका छोटी सी रोटी बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें तेल लगाएंगे। बिना किसी झंझट के रेसिपी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। किचन में फटाफट काम करना पड़ता है, अगर आपको देर हो रही है बच्चों के लिए तो आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अभी हम यहाँ पे डालेंगे, अच्छे सी लुकिंग के लिए हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, जिससे कि दिखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे पराठे। इस प्रकार हम सारे पराठे बेल लेंगे। उसके बाद हमने तवा रखा है गरम गैस पे। उसके बाद हम ये पराठे को डालेंगे और उसको जब हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसको पलटेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे तेल लगाएंगे। ये छोटी मोटी भूख में नाश्ते में भी आप इस पराठे को बना सकते हैं, चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। इस प्रकार इसको दबा दबा कर सेकेंगे, दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाता है जब तक हम इसको सेकेंगे। यह हमारा टेस्टी सा टिफिन रेसिपी बन के तैयार है। आप इसको चटनी या अचार के साथ भी खा सकते हैं या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। देखिए पराठे कितने अच्छे बने हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।